साईराम बच्चू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे। बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ पुनरावर्तन हिंदी कालांश को लेकर। बच्चों, आज मैं जो पुनरावर्तन कालांश में लेने वाली हूँ, जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम करेंगे सातवीं कक्षा का जो सातवां पाठ है, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके बाद हम देखेंगे काल व्याकरण से, और व्याकरण से ही हम लिंग और वचन भी आज समझेंगे। और उसके बाद बचता है हमारा रचना विभाग, वहाँ से हम पत्र लेखन समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इतने सारे विषय पर पुनरावर्तन लेंगे, हमारा रिवीजन इतने सारे टॉपिक को लेकर आज है। तो इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, और मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उसका ही रिवीजन है ये। तो हम लोग अच्छे से अपनी शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको मैंने बोला, मैं सातवीं कक्षा का जो पाठ क्रमांक सात है, जहाँ चाह वहाँ राह, वह आज हम शॉर्ट में देखते हैं पहले, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर जो ऐसम्भा गाँव है, जो वहाँ पर पाठशाला जाने में जो बच्चों को परेशानियाँ होती थी बाढ़ की वजह से, या ज़्यादा जब पानी बरसता था, तो उस समय उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, ये संभव जो उनके यहाँ पे जो विद्यालय है बच्चों को जाने के लिए, बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि बीच में एक नाला बहता रहता था। वो स्टोरी आपको याद है ना? तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि सब बच्चों ने जब परेशान हो गए, जब वो कोई भी कक्षा में नहीं जा पाते थे, अनुपस्थिति ज़्यादा रहने लगी, तो गांव के बहुत सारे बच्चों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाए। पुल का निर्माण, पुल का मतलब को पता है, ब्रिज। पुल का निर्माण होता है तो हम नदी को एक साइड से क्रॉस करके दूसरे साइड जा सकते हैं, और बिना किसी रुकावट के हम अपने विद्यालय भी जा सकते हैं। तो आपने देखा था किस तरह से उनकी संकल्प शक्ति ने एक कमाल की योजना बनाई, और गांव के लोगों ने मिलकर उनकी जो योजना थी उसका साथ लिया, और एक जो ऐसा माना जाता कि जो असंभव कार्य था, उसको उन्होंने कर दिखाया। तो इस पाठ के द्वारा जो हमारी लेखिका है, जिनका नाम था अनुराग मोहिनी जी, उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर बात बताई। जैसा कि आपने यहाँ पे प्रस्तावना में देखा था कि प्रस्तुत कांड में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उससे समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा दी है, और अंत में हमें एक बात को समझाया है उन्होंने, लेखिका ने, कि अगर हमारे मन में दृढ़ शक्ति है कि हमें यह करना ही है, तो कोई भी कार्य ऐसा इस जहाँ में है ही नहीं बच्चों के हम उसे नहीं कर सकते हैं। तो वह स्टोरी तो आपको याद होगी, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या क्या हम लोगों ने देखा था। देखिए, हम लोगों ने शब्द वाटिका में देखा था कि हमारे पास जो कठिन शब्द थे वो कौन से थे। पहला था लांघना। लांघना का क्या अर्थ होता है बच्चों? पार करना। असर परिणाम। बकवास व्यर्थ की बातें। निदान समाधान। माहौल वातावरण। हल निराकरण। भापना अंदाज लगाना। हौसला हिम्मत। राशि धन। प्रचुर अधिक। और इसमें एक कहावत भी आई थी बच्चों, अगर आपको याद होगा, जो लेसन का नाम ही है, जहाँ चाह वहाँ राह। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो मार्ग अपने आप ही मिल जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। जैसे हमें ऐसे ही आपको एग्जाम में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक फायदा क्या होगा परीक्षा के दौरान, कि आपको ऑप्शन आएंगे, MCQ टाइप रहेंगे, जैसे 3, 4 या 2 आपको ऑप्शन आएंगे, उसमें से सही जो उत्तर रहेगा उसे चुनना रहेगा। देखिए, यहाँ पर अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी थी। पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे बच्चों। देखो, ऐसम्भा गांव के ठीक बीचों बीच क्या बहता था? हमको ऑप्शन बहुत सारे आए थे। हम लोगों ने क्या देखा था? एक नाला बहता था। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। विज्ञान की पुस्तक से हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में है पुल की जानकारी। ऐसे आपको एग्जाम में भी आएगा बच्चों, तो इसको ध्यान देना है। आपको सिर्फ इतना सेंटेंस आएगा कि विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने डैश, आपको ऐसे ही 3 या 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से सही जानकारी अगर आपने बुक पढ़ा रहेगा, अगर आप हिंदी की किताबें बराबर पढ़ रहे हैं, जो भी आपको नोट्स वीडियो के द्वारा दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, अगर आप उस पर ध्यान दे रहे बच्चों, तो आपको आराम से ये सब समझ में आएगा। चौथा हम देखते हैं, लेकिन क्या हम बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? ये वाला ऑप्शन है आपका सही। आपको बहुत सारे विकल्प रहेंगे, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है।
हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। अब देखना है हमें कि सही गलत, कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं देंगे, आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन लगा सही या गलत, वो वाला आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आपके अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि जो भी पर्टिकुलर वाक्य दिया हुआ है वह सही है, तो आप सही को टिक करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं गलत है, तो आप जो गलत है उसे टिक करोगे। ओके, तो जैसे हम देखते हैं, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। सही है ये कथन, तो आप यहाँ पर सही वाला जो ऑप्शन रहेगा उसे टिक करोगे। आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूई का था, नहीं किसका था वो आपको फाइंड आउट करना है, ये गलत वाक्य है। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, सही। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा, सही। केवल 20 दिन में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था, ये आपको पता है ये वाक्य गलत है क्योंकि 10 दिन में हुआ था, ठीक है, तो आपको यहाँ पर गलत है ये। अब देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे थे। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उत्तर, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा था। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा था। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा था। बच्चों अगर आपको सब याद रहेगा तो आपको एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब हम आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर जो है वो क्या है। हमारे गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में हुई, क्यों हुई थी ये, इसका हमको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए, क्योंकि गांव में धुआंधार बरसात हो रही थी जिसके कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4 से 5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए उसे पार कर के पाठशाला या विद्यालय में जाना संभव नहीं था। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? गांव में बरसात, नाले में पानी, पाठशाला से छुट्टी, बाकी यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किया गया था। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने अभी तक इस पाठ में जो हम लोगों ने पढ़ा है, इस पाठ के अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें हमने लेखिका ने क्या बताया है कि अगर हम मन से चाहते हैं कोई कार्य करना तो कोई भी कार्य दुनिया में असंभव नहीं है। यह आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति है कि आप किसी भी काम को कितना सीरियस लेते हैं, कितना महत्व देते हैं, और आप जितना सीरियस लेंगे उतना ही सीरियस उसको आपका फल भी मिलेगा। तो ये पाठ आपको क्लियर हो गया, हम लोगों ने पुनरावर्तन ले लिया है उसका। अब हम देखते हैं व्याकरण से काल। आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने काल भी पढ़ा था। अब काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपको याद होगा कि उसका परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम काल कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। जैसे हमें देखो तीनों प्रकार के काल के बारे में दिया हुआ है। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। हम सब ने काल के बारे में देखा था, बच्चों को याद होगा काल क्या होता है उसके बारे में, समय का ज्ञान जो होता है वही काल होता है। काल के तीन भेद होते हैं, हम लोगों ने वो भी पढ़ा था। वर्तमान काल, जिसे जो समय काम जो समय चल रहा है उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। ये आपके काल के भेद हैं। भूतकाल, जो समय बीत चुका है वो आपका भूतकाल। भविष्यकाल, जो समय आने वाला है वो आपका भविष्यकाल। अब मैं पूरा का पूरा यहाँ पर आपके सामने रिवीजन नहीं ले सकती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी पढ़ा है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने काल पढ़ा था कि समय का जो ज्ञान होता है, जिसे में समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। अब काल के कितने प्रकार होते हैं वो हमने देखे, अभी यहाँ पर भी हम लोगों ने देखे वीडियो में। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों, तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी इसी तरह से तीन भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और जो हमारा भविष्यकाल है उसका एक ही भेद होता है जिसको हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे वो देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में सही उत्तर चुनिए। जैसे शीला नहा रही है, आपको पता है ये काम अभी भी हो रहा है, काम हुआ नहीं तो आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने एक आम खाया, खाया पास्ट है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल। लड़की जा रही थी, जा रही थी, जा चुकी थी नहीं, जा रही थी,
थी है ना यहाँ पर, जा रही है, मतलब कंटिन्यूअस क्रिया भी हुई नहीं है यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल। लड़का आम खाएगा, ये भविष्य की होने वाली क्रिया है, तो सामान्य भविष्य काल। लड़की जा चुकी थी, आपका क्या हो जाएगा, ये कार्य यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर हम लोगों ने काल भी देखा बच्चों, हम लोगों ने एक बार रिविजन ले लिया काल का, हम लोगों ने 1.7 पार्ट का रिविजन लिया, काल का लिया। अब हम देखते हैं वचन और लिंग। हम लोगों ने देखा था वचन क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन से यह मालूम होता है कि वह एक है या एक से अधिक। वचन के दो ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, बहन, आँख, कलम, सखी, किताब, तस्वीर आदि। बहुवचन क्या होता है बच्चों, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, बहनें, आँखें, कलमें, सखियाँ, किताबें, तस्वीरें आदि। इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए आपको बच्चों एग्जाम में दो तरह से भी आ सकता है, मैं आपको दोनों टाइप एक ऐसा बता के रखती हूँ। एक टाइप आपको आ सकता है कि जो शब्द दिया रहेगा आपको बोला जाएगा कि निम्नलिखित शब्द का वचन पहचानिए, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा कि एक वचन है या बहुवचन है, ऑप्शन के द्वारा आपको पहचानना रहेगा, बराबर। और एक आपको ऐसा भी आ सकता है कि शब्द दिए रहेंगे, बोलेंगे कि वचन बदलिए, तो वचन बदलिए अगर आता है तो एक वचन से आपको बहुवचन, या अगर बहुवचन का शब्द रहेगा तो बहुवचन से एक वचन बदलना है। जैसे जूता का आपको आता है वचन बदलिए, तो जूते आप लिखते हो, बराबर। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ, देखो जूता का आपको यहाँ पे बहुवचन बना कर लिखे बोला, मतलब बदलिए बना कर लिखे, तो आपको पता है जूता एक है, सिंगल है, बराबर, एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, जूते, बराबर। दूसरा आपका आता है तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, घोड़ी नहीं होगा, वो आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान देना बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये अपना हो गया वचन। अब हम इसके बाद देखते हैं फटाफट लिंग क्या होता है। लिंग, लिंग शब्द का सरल अर्थ है पहचान। इसलिए जिस चिन्ह से इस बात का पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम लिंग कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भी दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग करके कोई लिंग नहीं होता है बच्चों, तो उसमें हमें ध्यान देना है कि हमें दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोहन, शेर, घोड़ा, कुत्ता, आदमी, लड़का आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, लड़की, शेरनी, घोड़ी, गाय, कुतिया, मछली, कोयल आदि। तो लिंग क्या होता है वो भी हमें समझ में आ गया, इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मकान, अब आपको हाँ इसमें भी जैसे वचन की तरह इसमें भी आएगा दो तरह से, एक तो आपको हो सकता है कि लिंग पहचानी, और आपको ये भी हो सकता है कि लिंग बदलिए। तो जैसे अगर स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग करना रहेगा, पुल्लिंग रहेगा तो उसका स्त्रीलिंग करना रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो हम यहाँ पर आपको लिंग पहचानने के लिए मैंने पूछा है। जैसे मकान, तो मकान क्या है, पुल्लिंग है। हंस पुल्लिंग है। अगर हंस का आपको बोला जाता है कि आप इसका लिंग बदलिए, तब क्या हो जाएगा, हंसिनी हो जाएगा, हंसिनी उसका जो फीमेल रहेगा, ठीक है। अब मकान का मकान ही रहेगा, मकान का कोई फीमेल नहीं रहता इसलिए वो मकान ही रहेगा, निर्जीव चीजों का सेम रहता है। फूल पुल्लिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, सुई स्त्रीलिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पर काल काल देखा ग्रामर से, व्याकरण पाठ अगर हम देखते हैं तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, काल पढ़ा, वचन पढ़ा और लिंग पढ़ा। अब हम अपना जो रचना विभाग है वहाँ से एक विषय जो है पत्र लेखन, उसका भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे पत्र लेखन वास्तव में होता क्या है। आप सबने पत्र पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, इससे हम और क्लियर कर लेंगे। पत्र लेखन व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता है। पत्र द्वारा हम घर बैठे ही इन इष्ट बंधुओं को अपने मन की बात लिखते हैं। हमारे जो मन के भाव रहते हैं उसका आदान प्रदान ही पत्र लेखन है। जो बात हम प्रत्यक्ष रूप से कहने में संकोच करते हैं, पत्र द्वारा निसंकोच कही जा सकती है। पत्र लिखना भी एक कला है, अतः पत्र लिखने की पूर्ण जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। पत्र में स्वाभाविकता हो, मतलब स्वाभाविकता हो, हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें जो भी लिखना है उसे
जो विषय रहेगा उससे संबंधित और स्वाभाविकता हो, मतलब हमारे जो भी विषय है उससे बाहर से नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग वो हमारे से विषय से संबंधित होना चाहिए। पत्र स्पष्ट हो और सरल भाषा में लिखा हो। पत्र संक्षिप्त और सार गर्भित होना चाहिए, अर्थात आप जो भी लिख रहे हो उसे उससे सामने वाला जो पढ़े पत्र को उसको पूरा समझ में आ गया पत्र वास्तव में किसके बारे में लिखा गया है। पत्र लिखते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत सही होना चाहिए। पत्र पर पता ठीक लिखा होना चाहिए। यहाँ पता बहुत महत्वपूर्ण है पत्र के लिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो पत्र पे पता का होना बहुत जरूरी है। तो पत्र इस तरह का होना चाहिए। अब कितने प्रकार के पत्र होते हैं हम सबको पता है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक में क्या क्या आता है, अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहन, माता पिता आदि तथा मित्रों को लिखे जाते हैं, जैसे बधाई, शोक, सांत्वना पत्र भी लिखते हैं, वे सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। लेकिन औपचारिक क्या होते हैं, औपचारिक पत्र कार्यालयी पत्र, व्यवहारिक पत्र और आवेदन पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र में शामिल किए जाते हैं। तो हम एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे पिताजी को जेब खर्च भेजने हेतु पत्र, ये आपका अनौपचारिक पत्र है। बराबर, यहाँ पे देखो आपको पता बराबर दिया हुआ है यहाँ पर। फिर पूज्य पिताजी, हम जो है उनको रिस्पेक्ट देते हैं इसके लिए, वहाँ पर पूज्य पिताजी, जैसे हम आदरणीय लिखते हैं जब हम औपचारिक लिखेंगे, तो यहाँ पर यह सब चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। सादर चरण स्पर्श, आपका आपका कृपा पत्र हस्तगत हुआ है, कुशल क्षेम की जानकारी हुई। हमारी त्रैमासिक पत्र परीक्षाएं सितंबर में होंगी। पिताजी, इधर कुछ जेब खर्च की अति आवश्यकता है। आपके द्वारा प्रेषित मनी ऑर्डर का धन समाप्त हो गया है, कृपया शीघ्र पुनः धनादेश, धनादेश मतलब पैसा द्वारा जेब खर्च, सॉरी धनादेश मतलब जो हम धन राशि भेजी जाती है ना उसको बोलते हैं, जेब खर्च करने भेजने की कृपा करें। आदरणीय मम्मी को प्रणाम, प्रश्न प्रत्युत्तर शीघ्र दीजिएगा। जो पत्र दिया गया है उसका उत्तर शीघ्र दीजिएगा, आपकी पुत्री नेहा। तो इस तरह से हम कोई परिवार से संबंधित छोटा भाई है उसको अगर लिख रहे हैं तो वह भी आपका अनौपचारिक पत्र होगा। जो हम लोग अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं वो सारे आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं औपचारिक का, जो कि हम इसको पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हमें ये सिर्फ पुनरावर्तन कालांश में मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रही हूँ, जिससे आपका जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको औपचारिक पत्र में आता है प्रधानाचार्य को शुल्क माफ मुक्ति के लिए, माफी के लिए प्रार्थना पत्र। तो आप कैसे लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय विद्या मंदिर नारायण विहार बिजनौर मान्यवर, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6C का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक दुकान पर सेल्समैन है, उनका वेतन केवल 4,000 रुपये मासिक है। घर में मेरे अतिरिक्त 3 भाई बहन भी क्रमशः 10वीं और BA में पढ़ते हैं। परिवार में कमाने वाले केवल मेरे पिताजी हैं, उनके लिए हम चारों का शिक्षण शुल्क देना संभव नहीं है। मान्यवर, मैं गत वर्षों से विद्यालय में प्रथम आता रहा हूँ तथा इस वर्ष भी 90-90% अंक लाकर विद्यालय में प्रथम आया हूँ। मैंने विद्यालय के खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अनेक पुरस्कार जीते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी छात्रवृत्ति या पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करके कृतार्थ करें, ताकि धनाभाव मेरी पढ़ाई के बीच व्यवधान न कर सके। इस कृपा के लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। दिनांक 12 मई, ये आपका रहेगा जो भी आप डाल सकते हो, 2020, 2019 जो भी आपका आज्ञाकारी शिष्य संदीप बिश्नोई। तो इस तरह से आप कार्यालय पत्र हो गया या जैसे विद्यालय के लिए जो भी आप लिखोगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, औपचारिक पत्र हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों, जो पाठ है जहाँ चाह वहाँ रा, फिर उसके बाद हम लोगों ने काल पढ़ा, हम लोगों ने लिंग पढ़ा, हम लोगों ने वचन पढ़ा और हम लोगों ने पत्र, अपत्र में दोनों टाइप जो है औपचारिक और अनौपचारिक उसका रिविजन लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे जो डाउट रहे होंगे थोड़े वो आपके सब क्लियर हो गए रहेंगे। और आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि हमें परीक्षा में अभी आने वाली है, तो आपको इसके लिए अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, साईं राम बच्चों।